الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا कर गौर तू हथ दियां उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूर है एवें फर्क है सारी दुनिया विच कोई जाबिर कोई मजबूर ते कोई तरसे तन दिया कपड़िया तो ते कोई खा खा के मगरूरे एक गल नू याद तू रखा बिद हर एक ने मरना जरूर इस वक्त आसमान दा सूरज साढ़े तो कई लख मील दूर है इस दे बावजूद उदी हिद्दत शिद्दत दा आलम है कैन दोपहर दे वक्त असी पांच मिनट भी सूरज दे सामने खलो नहीं सकते अन करीब एक ऐसा वक्त आने वाला है
कि जदों यही आसमान दा सूरज एक मील दे फासले ते होएगा, जमीन तांबा नुमा बन जाएगी, मर्द जन सर बदन पैरां तो बरहना होंगे, मैदान महशर दे अंदर बमुश्किल दो कदम रखण दी जगह मिलेगी, जिथे कदम रख दिते रख दिते अल्लाह पाक दी इजाजत तो बगैर कदम भी नहीं हिलाया जाएगा। डर ते खौफ इतना होएगा कि कुरान कहिंदा है कि यौम यजअलुल विलदान शीबा, कयामत दे दिन दी सख्ती नू वेख के बच्चे भी बूढ़े हो जाणगे। हुण तुसी अंदाजा करो, आसमान दा सूरज एक मील दे फासले ते होए, जमीन तांबा नमा होए, मर्द जन बरहना होन, बमुश्किल दो कदम रखण दी जगह मिले, कदम हिलाण दी इजाजत ना होए, डर इतना होए कि बच्चे बूढ़े हो रहे हों, ऐसे आलम दे अंदर खड़ा होना कितना मुश्किल होएगा। ते खड़ा किन्नी देर होना है? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल? नहीं, 50,000 साल तक खड़े होना है। उदो सब तो ज्यादा जड़ी चीज नू दिल करेगा वो होएगा साया। हुण भी बंदा धुप्पे खड़ा होए ना तो कहिंदा यार तू को दो मिनट जिहड़ा खलोना है ना कितें छावें हो जाइए धुप्पे तो सड़ जा। तो कयामत वाले दिन भी ऐसी गर्मी दे अंदर सब तो ज़्यादा दिल करेगा कि किसी साए दे नीचे खड़ो हो जाए, तो साया उस दिन कोई नहीं होएगा, ना हजर दा, ना शजर दा, ना दरख्त दा, ना किसी बिल्डिंग दा, ना किसी पहाड़ दा, ना बादल दा, कोई साया नहीं। सिर्फ इक्को साया होएगा और वो होएगा अल्लाह सुबहानहू व तआला दा साया। बड़े बख्तां वाले लोग होंगे जिन्हां नूं वो खूबसूरत साया नसीब होएगा। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्ला अलैह अपनी किताब अंदर फरमाते ने कि 70 किस्म के बंदे अल्लाह पाक दे अर्श दे साए दे नीचे खड़े हों। हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमतुल्ला अलैह अपनी किताब फतहुल बारी शरा सही बुखारी अंदर फरमाते ने 28 किस्म के बंदे अल्लाह पाक दे अर्श दे साए दे नीचे खड़े हों। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह अपनी किताब सहीहुल बुखारी दे अंदर फरमाते ने कि 7 किस्म दे बंदे अल्लाह पाक दे अर्श दे साए दे नीचे खड़े हों और नाल उन्हां नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी एक हदीस दा भी जिक्र फरमाया, जिस हदीस अंदर आप ने उन्हां 7 खुशनसीब बंदियां दे नाम गिनवाए। और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह सहीहुल बुखारी दे अंदर इस हदीस नू 4 जगह ते लेके आए, किताबुल आज़ान अंदर, किताबुल ज़कात अंदर, किताबुल हुदूद अंदर और किताबुल रिक़ाक अंदर। हदीस क्या है? हदीस पूरे अदब नल और पूरे इन्हिमाक नल समात फरमा लीजिए। عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ورجل شاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تهابا في الله ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کون ابو حریرہ ابو حریرہ و عظیم انسان نے جنہ اللہ دے پیغمبر کڑو سب تو زیادہ حدیث روایت کیتیاں ایک محتاط اندازے دے مطابق 2210 حدیث سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی نے لوگاں شک کرنا شروع کر دیتا ابو حریرہ کتے کوڑوں تے نہیں حدیثاں بیان کردا کوڑوں بنا کے اللہ دے پیغمبر بال کتے منسوب تے نہیں کردا معاذ اللہ ایک بندے نے حضرت ابو حریرہ دا کھانا پکایا امتحان لینا چاہیا کھانا کھلایا اور کھانے تو بعد کہندا ابو حریرہ میں تانوں کروں باہر بھی نہیں نکلن دینا تانوں اس جگہ تو اٹھن بھی نہیں دینا ایتھے بیٹھیاں بیٹھیاں مینوں اللہ دے نبی دیاں 100 حدیثاں سناؤ تے زبانی سناؤ نے پردے دے اندر بندے کھڑے کیتے سن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 حدیثاں سنائیاں پردے جندر بندیاں نے حدیثاں لکھ لیاں نوٹ کر لیاں اس گل نوں ایک سال گزر گیا سال تو بعد انہیں دوبارہ کھانا پکایا کھانے تے بلایا اور کہندا ابو حریرہ جی یاد کرو پچھلے سال تسی اللہ دے پیغمبر دیاں مینوں 100 حدیثاں سنائیاں زبانی سنائیاں میں چاہنا واں مینو اللہ دے نبی دیاں 100 حدیثاں سناؤ ہنے سناؤ زبانی سناؤ تیوئی پچھلے سال والیاں سناؤ اللہ اللہ پردے جندروں نے ہمیں بندے کھڑے کیتے نے پچھلے سال والیاں حدیثاں پکڑ کے ابو حریرہ غلطی کتے کردا ہے ابو حریرہ کوڑو لفظ کتے ایڈ کردا ہے سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے سال والیاں 100 حدیثاں اس ترتیب نال اس امداد نال زبانی پڑھ کے سنا دتیاں نہ زبر دی غلطی آئی ہے نہ زیر دی غلطی آئی ہے یہ تھے صحابہ اسی کڑیاں دے نمبر یاد کرنے ہاں صحابہ حدیثاں یاد کردے سن اسی جانو نو ملن دی ڈیٹ یاد کرنے ہاں جانو نو ملنا کدھر ہے جانو نو ملے کدو سن جدو ملے سن تو نے کپڑے کیویں دے پائے سن اونج اسی پکے عاشق کے رسول ہاں اونج اسی جناب پکے مومن جھوٹے مومن کھوکھلے مسلمان ویلے مومن
दुध पीने मजनू फसली बटेरे मोड़ दे यार उत्तों तो मोहब्बत दे दावे करने वाले असी नहीं सच्चा प्यार करने वाले सच्चा प्यार करने वाले ते ओ सन जिन्ना कई कई लख हदीसां कमली वाले दियां जबानी याद कीतियां होईयां सन। अल्लाह अकबर अल्लाह वफादार सहाबा अमानतदार सहाबा दयानतदार सहाबा मेरे पैगंबर तो तन मन दन दियां बाजियां लाण वाले सहाबा ताई ते अल्लाह वाला तड़पया है ओनू तड़प के लिखना पिया है मैनू तड़प के पढ़ना पिया है तुहानू तड़प के सुभान अल्लाह कहना पैगा उन्ना दित्तियां ने जाना नाले माल दित्ते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दित्ते ने उन्ना दित थके बैठे हो माशाल्लाह थके बैठे हो। असल जनम जदों दूसरा खतीब आ जाए फिर पहले नूं हैंड ब्रेक खिंच लेनी चाहिए ते माशाल्लाह साजिद साहब अज हजे मैं ते गेर भी नहीं लाया ते आ गए ने इस बात तो हुण हैंड ब्रेक खिंचदियां मेरे को 45-35 मिनट लग जाने हैं। अल्लाह 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 उन्ना दित्तियां ने जाना नाले माल दित्ते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दित्ते ने हबशी नू वेख लो हबशी नू वेख लो दर्रा भी नी डोले आप हबशी नू वेख लो दर्रा भी नी डोले आप कोलियां ते लेटके भी नहीं जे हौली बोले आप कोलियां ते लेटके भी नहीं जे हौली बोले आप किवें सानू हौसले बिलाल दित्ते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दित्ते ने। अल्लाह अकबर अल्लाह नबी पाक ने फरमाया सबातुन सात तरह दे बंदे अल्लाह पाक दे अरश दे साए दे नीचे खलोणगे पहला बंदा केड़ा फरमाया इमामुन आदिलुन अदल करन वाला हुक्मरान इंसाफ करन वाला हुक्मरान अदल करन वाला प्राइम मिनिस्टर मैरिट दे फैसला करन वाला जज अल्लाह अकबर अल्लाह हजरात मोहतरम अगर असी किताबे मुबीन ते गौर करिए ते पता लगता है अल्लाह पाक ने लफ्ज अदल दा इस्तेमाल कुरान पाक अंदर 24 मुकाम ते फरमाया दिन दे 12 घंटे ते रात दे 12 घंटे 12-12 किन्ने हो गए 24 हो गए अल्लाह पाक दसना चाहते ने अदल 24 घंटे होना चाहिए है हर वक्त होना चाहिए है ये नहीं जालम छुटिया फिर 24 घंटे अदालत खुले 8 घंटे ते जज बवे 4 घंटे ना 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 हर वक्त अदल होना चाहिए है हर बंदे नाल अदल होना चाहिए है हर उदे वाले दे नाल अदल होना चाहिए है हर जगह ते अदल होना चाहिए है 120 वालिया अल्लाह को दुआ करया कर अल्लाह मेरे मुल्क नूं कोई आदिल हुक्मरान अता फरमा दे। साढ़े को माशाल्लाह अज ज़कात कमेटी का चेयरमैन ही संभालिया जाता बंदे माड़े जे तां हो जाते हैं तो तिना गड्डियां तो घट जाते ही नहीं कितने MPA साहब 3 गड्डियां MNA 6 गड्डियां थोड़ा जा होर उत्ते चले जाओ 8 गड्डियां थोड़ा जा होर उत्ते चले जाओ 20 गड्डियां और ये तुम्हारी गाड़ियां तुम्हें मुबारक हो ये तुम्हारा प्रोटोकॉल तुम्हें मुबारक हो ना मैं जेलस हूँ ना मैं जलता हूँ तुम्हारे इन प्रोटोकॉल से ना तुम्हारी गाड़ियों से जलता हूँ अल्लाह तुम्हें और दे लेकिन आओ एक लीडर तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ एक हाकिम तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ एक बादशाह तुम्हें मैं भी दिखाता हूँ ये कौन है
इसका नाम क्या है? ये वो है जिसके नाम से कैसरो किसरा कांपता है, और इसका नाम जनाब उमर बिन खत्ताब है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह बाई लख मुरब्बा मील दे हुक्मरान किन्ने लख है? बाई लख मुरब्बा, बाई लख मुरब्बा मील दा हुक्मरान मेरा उमर। जनाब उमर ने सफर करना है, किथे जाना है? मदीनो चलना है, फलस्तीन जाना है। किन्ना लम्मा सफर है? 700 मील दा पेंडा, 700 मील दा पेंडा मेरे उमर ने कीता। मदीनों चल के पहुँचे फलस्तीन अंदर, किन्ने गनमैन ने, किन्ना प्रोटोकोल, किन्निया सवारियां ने। हजरत दी वकार, ना को गनमैन ने, ना को प्रोटोकोल, ना कोई सवारियां ने, ना को पहरेदार है, ना कोई शान शौकत है। एक ऊंट है, एक गुलाम है, एक उमर ने कदी गुलाम सवारी ते महार उमर दे हाथ अंदर, कदी उमर सवारी ते महार गुलाम दे हाथ अंदर। हजरात तेजी वकार, 700 मील दा पेंडा मेरी उमर ने इंज तय कीता है। इतों बंदे 20 गड्डियां ते रोटी खान जाते ने, वेले वापस आते ने। वाह उमर तेरी अजमत तो कुर्बान जावा, मेरी उमर मदीनों फलस्तीन गए, 700 मील दा पेंडा कीता, एक ऊंट ते गए। फलस्तीन तो जदो वापस आए ने, बैतुल मकदस दी फतह लैके आए ने, बैतुल मकदस फतह करके आ। अल्लाह अल्लाह, एक मंजर याद पे आंदा है, जद सरकार उमर दे हाथ विच। एक मंदर वजो, एक मंदर याद पे आंदा है, जद सरकार उमर दे हाथ विच। सरकार उमर दे हाथ विच, तुसी बोलना बोलोगे ना? ओ बोलोगे ना के चुप ही रहोगे? अल्लाह अल्लाह, बोलना पैगा, बोलना पैगा, इमाम तादा होएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना दरा। एक मंदर याद पिया उंदा है, जद सरकार उमर दे हाथ विच। हजारां लखां फौजां दी कितार उमर दे हाथ विच। मदीने तो फलस्तीन ताई हर शार उमर दे हाथ विच। पर नौड़े सवारी ते मुहार उमर दे हाथ विच। अल्लाह 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 अल्लाह, तवज्जो करना दराओ। फरमाया इमामुना आदिलुन, अदल करन वाला हुक्मरान। अल्लाह पाक दर्श दे साए दे नीचोएगा, पहला बंदा ते दूसरा बंदा। फरमाया वर राजुलुन शाबुन, नशाब हो जवानो जवानो जवानो, इधर देखो। वराजुलुन शाबुन नशाफी इबादतिल्ला। फरमाया कायनात दे लोगो नौजवान, मैं जरा झटका तर्जमा कर लगा। वराजुलुन शाबुन, फरमाया ओ नौजवान जिन्हों जवानी बिच नशा लगा है। की लगा है? बोलो ओ बोलो, नशा कादा। वराजुलुन शाबुन नशा कादा, नशा बीड़ी दा तमाकू दा सिगरेट दा नाना। फरमाया वराजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्ला, ओ नौजवान जिन्हों जवानी वक्त फजर दा नशा लगा है, जिन्हों जोर दा नशा लगा है, जिन्हों असर दा नशा लगा है, जिन्हों मगरब दा नशा लगा है, जिन्हों इशाब दा नशा लगा है, जिन्हों तहज्जुद दा नशा लगा है,
जिन्हों फराइब का नशा लगा है, जिन्हों नवाफिल का नशा लगा है, अल्लाह के सामने रोन का नशा लगा है, अल्लाह के सामने झुकन का नशा लगा है, अल्लाह के सामने इबादत करम का नशा लगा है, जिन्हें जबानी फेसबुक से गुल ने की, जिन्हें जबानी टिकटॉक दियाँ खचा गुल ने की, जिन्हें जबानी व्हाट्सएप से बर्बाद ने की, जिन्हें जबानी बिलियड से सनूकर से बर्बाद ने की, जिन्हें जबानी कुड़िया के मगर खजल होके ने की, जिन्हें जबानी गंदियां फिल्मां ते गंदियां वेबसाइटां ते बर्बाद ने की, वराजुलुन शाबुन ना शाफी इबादतिल्ला, जिन्हें जबानी विच रब नाल ना लाइए रब नाल ताल्लुक जोड़िए, फरमाया कल कयामत दा दिन होएगा जदों किते साया नहीं होएगा, अल्लाह पाक इस नौजवान नूं अपने अर्श दा ठंडा ते मिठा साया अता करेगा। अल्लाह 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 तुहानू भी नसीब कर दे, उची आमीन आखो। अल्लाह 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 अगे झुकण वाले परेशान होणगे, अल्लाह अगे झुकण वाले परेशान होणगे, अर्श नूं ओ साए थले, हशर नूं ओ अर्श दे ओ साए थले खलोणगे, वुज़ू वाला बदन ओ सी नूर नाल रंगिया, ओए वुज़ू वाला बदन हो सी नूर नाल रंगे आ, शैतान आखे लग के ना जामी सूली टंगे आ, पंज वेले रब दिन माद पाड़े बंदे आ, तू पंज वेले रब दिन माद पाड़े बंदे आ, सही वक्ती उत्ते जो नमाज़ा नी अदाम दे, सही वक्ती उत्ते जो नमाज़ा नी अदाम दे, अल्लाह ते रसूल कद मर्तबे ओ पाम दे, तू भी पढ़ तू भी पढ़ तू भी पढ़ तू भी पढ़ रंग जा मोहम्मदी चरंगे आ, तू भी पढ़ रंग जा मोहम्मदी चरंगे आ, शैतान आखे लग के ना जामी सूली टंगे आ, पंज वेले रब दिन माद पढ़ बंदे आ, नमाजियां ने पानी जाके औद तो जे पी मना कहो इंशाला, नमाजिया ने पानी जाके हौज तो जे पीवना, जन्नत दिया बागा बिच मौज नाल जीवना, तदे तेरा बानी साथ मोमिना दा मंगे आ, तदे तेरा बानी साथ मोमिना दा मंगे आ, शैतान आखे लग के ना जामी सूली टंगे आ, पंज वेले रब दिन माद पाड़े बंदे आ, तू पंज वेले अल्लाह 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 मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है, फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना दराओ, हजरात दीजी वकार गौर कर दे जाना दराओ, मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत। अगला बंदा अल्लाह 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 फरमाया बारा जोलोन قلبه جلدی جلدی ورجل قلبه معلقم بالمسجد, فرمایا تیسرا او بندہ جدا دل اللہ دے گھر نہ لگا ہے مسجد دے نہ لگا ہے پیار مسجد دے نال پیا ہے, کدی مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف پیا کردا ہے, کدی مسجد دے غسل خانے صاف پیا کردا ہے, کدی مسجد دی کلین صاف پیا کردا ہے, کدی مسجد دیاں صفاں صاف پیا کردا ہے, ہر ویلے مسجد مسجد مسجد
अल्लाह दे घर नाल प्यार पाया है। 120 वालिया अगर मेरी मजलस दे अंदर को लखपति बंदा बैठा है, मेरी गल नू दिल दिया तख्तियां ते लेके ले जाओ। अगर मेरी गुफ्तगू सोशल मीडिया दे जरिए दुनिया दे किसी कोने दे किसी करोड़पति तक पहुँच जाए, मैं कहंगा वीर जी मेरा पैगाम नोट कर लेना। असी बड़ा पैसा कमाने, कमा कमा करके ते जो बैंक कालियां कर लेने, फिर एसी दे थले घूमन वाली कुर्सी ते बह के कहने बड़ा पैसा कमा लिया है, और मेरे मरम तो बाद मेरी औलाद ऐश करेगी। ना 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 ना, तेरे मरम तो बाद तेरी औलाद ने ऐश नहीं करनी, बल्कि तेरे मरम तो बाद तेरी औलाद ने याशी करनी है। मैं जानना जिदे लख पतियां ते करोड़ पतियां नो जड़े मर गए ने उन्हां दियां औलादां जयाशी पईआं करदियां ने, बैठकां च बुला के कुड़ियां सारी सारी रात बदकारियां करदियां औलादां, बाप दे कमाए पैसे गंदे राह ते खर्च पईआं करदियां औलादां, थेठरां ते पैसे जाया पईआं करदियां औलादां। वीर जी अगर अल्लाह ने तेनू लख पति बनाया एक लख मस्जिद ते ना जा, अगर अल्लाह ने तेनू करोड़ पति बनाया एक करोड़ मस्जिद ते ना जा। चलो होर नहीं ते कम ते कम मस्जिद दा वजू खाना बना जा, मस्जिद दा वजू खाना नहीं ते कम ते कम मस्जिद दियां सफा ते दरवाजे लगा जा। अगर ये भी नहीं कर सकता ते कम से कम इनी जगह मस्जिद वास्ते खरीद के उहदे पैसे दे जा, जिन्नी जगह ते खलो के बंदा नमाज पढ़ता है, क्योंकि जिन्नी जगह ते खलो के बंदा नमाज पढ़ता है कब्र विच भी बंदे नूं लेटण लई इनी जगह लभदी है। मेरा ईमान है अगर तू इनी जगह मस्जिद वास्ते लैके दे जावेगा, जदों तक नमाजी उत्थे नमाज पढ़ता रहेगा कब्र विच तेरी देसी चलता रहेगा। औलादा नहीं कर दिया, ये वो दौर नहीं है, दौर बदल चुका है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुहाडा ईमान ताज़ा करा। इधर गल सुनो, जिहड़ी मस्जिद नबवी है ना, मस्जिद नबवी की जगह सब तो पहले भला किन्ने खरीदी? मस्जिद नबवी की जगह सब तो पहला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदी, सब को रजी अल्लाह ताला। सब तो पहला सही बुखारी में आता है, जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो आपने इस जगह को सिलेक्ट फरमाया, फरमाया यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। सिद्दीक पता करो ये जगह किसकी है, पता करवाया गया तो पता चला दो यतीम बच्चों की है। उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर हम इसके पैसे नहीं लेंगे, फरमाया नहीं नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं मोहम्मद पैसे अदा करूँगा। सिद्दीक उठो इन यतीम बच्चों को जमीन के पैसे अदा करो। हजरत बकर सिद्दीक ने पैसे अदा कर देते। हम अगली गल सुनिया जी, तवज्जो रखना। अल्लाह 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 तनु मक्के ले जाए, अल्लाह तनु मदीने ले जाए। ओची आमीन आख, जाना जी कि नहीं जाना? अल्लाह मैं दुआ करना बंदे बड़ी जनाब गर्मी बेच बैठे ने, मौलाए करीमा इन्हां नूं मक्के दी बहार भी दिखा दे, मदीने दा बाजार भी दिखा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, थोड़ी जी गल कर दिया, मदीने की गल कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हरा गुंबल जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबल जो देखोगे समाना भूल जाओगे, कभी जो तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे, ना इतराओ ज्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे।
मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, कभी जो ते बजाओगे तो आना भूल जाओगे। तारे सुन वाले उधर तवज्जो करना, अल्लाह लाला। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, कभी जो ते बजाओगे तो आना भूल जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा, अल्लाह तेनू मक्के लै जाए 120 वाले, अल्लाह तेनू मदीने लै जाए। जदो तू मक्के जाना है ते मदीने जाना है, मदीने जाके तू एक काम करना है, उस काम ना तेरा इमाम दादा हो जाएगा। अगर तू मदीने जावे, मदीने जा फिर मदीने दा पटवार खाना लब, जिनू अराजी सेंटर कहिंदे ने, जे तेनू मदीने दा पटवार खाना जावे लब ते अंदर जा मदीने दे पटवारी नू लब, जे तेनू मदीने दा पटवारी जावे लब ओनू कह पटवारिया मैनू मस्जिद नबी दी फर्द वखाना। अज भी मस्जिद नबी दी फर्द उत्ते नां लिखिया है ते मेरे अबू बकर दा लिखिया है। हाय 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 हाय, तकबीर शाने अबू बकर, शाने उमर फारूक, शाने उस्मान, शाने हैदर करदार, शाने सहाबा, शाने अहले बैत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जामा बार राजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद। फरमाया हो बंदा जिदा दिल अल्लाह दे घर ना लगा, मस्जिद ना लगा, सैयद ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, हजरत जनाब अली रजी अल्लाह तआला, जनाब सैयद ना हजरत अली अल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला हो। एक दिन बाजार अंदर तुरे जा रहे ने, बाजार अंदर जांदियां जांदियां के मस्जिद आ गई, मस्जिद आ गई ते मस्जिद दी अलमारी खुली है, कलमारी खुली है, रोशनदान खुले है, विंडो खुली है ना, ते जड़ियां मस्जिद दे विच चिराग जलदे पए ने ना, ओ लाइट बाहर जांदी पई है बाजार अंदर। जिवें दरवाजा मस्जिद दा अज खुलिया ते बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी दरवाजे चो जा रही है ना, हजरत अली अल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस रोशनी दे विच खड़े हो गए, और खड़े हो के अपने साथियों नूं फरमांदे ने, यारो जान दियो सब तो पहले मस्जिदां दे विच लाइटिंग का इंतजाम किन्ने किया। वो कहते ने असी तो नहीं जानते, पर मैं सब तो पहला मसाजिद के अंदर सरकारी सतह से लाइटिंग का इंतजाम हजरत उमर फारूक ने किया, यानी जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला दे दौर अंदर बाकायदा मसाजिद के अंदर चिराग जलाए गए, बाकायदा मस्जिद के अंदर दिए इंतजाम किया गया। पर मैं दो तीन चार पाँच दिए जलाए जाने हर मस्जिद के अंदर, ताकि अल्लाह का घर चमके जगमगाए, नमाजियों सुकून आए और नमाजियों आसानी हो जाए। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लैट दे विच खलो गए, अपना चिरा आसमान वल चुकिया ते फरमांदे ने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं अली तेरी बारगाह अंदर दुआ करना वा जिन्ने तेरे घर नू रोशन किया है, अल्लाह तू उस उमर दी कब्र नू रोशन फरमा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वराजुल कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, मस्जिद बना जा, मस्जिद नाल प्यार कर जा। वीर जी एटीएम कार्ड मुक जांदे ने, बैंक बैलेंस मुक जांदा है, बंदे दे मरण तो बाद जमीन दी रजिस्ट्री पुत्रां दे नाम हो जांदी है, बंदे दे मरण तो बाद अकाउंट बदल जांदे ने, लेकिन एक अकाउंट जिदा है मरण तो लग के कयामत दीआं कंधां तक नहीं बदलिया जांदा, सवाब मिलदा रहिंदा है ते जारी रहिंदा है।
है वो अल्लाह दा घर मस्जिद है। मस्जिद कयामत तक रहनी है, सवाब कयामत तक चलता रहना है। मस्जिद ते लाए पैसे दा सवाब डुबदा कोई नहीं, मुकदा कोई नहीं, फौत हुंदा कोई नहीं, खत्म हुंदा कोई नहीं। ना मस्जिद मुके ना सवाब मुके, ना मस्जिद खत्म होवे ना सवाब खत्म होवे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गुजरां वाले जाइए ना, तो गुजरां वाले तो हाफजाबाद नूं जांदे आ, रस्ते दे अंदर एक छोटा जिहा शहर आंदा है, उहनूं कहिंदे ने किला दीदार सिंह। शायद तुहाडे विचों किसे ने वेख्या होवे, क्यों भाई वेख्या? जिन्हां वेख्या ठीक है, जिन्हां नहीं वेख्या मैनूं वेख लो, मैं वेख्या है। की ख्याल है? मैं वेख्या। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा तेजी वकार। मैं रमदान अंदर गया किला दीदार सिंह, ऐस रमदान अंदर जिस मस्जिद अंदर मैं खिताब कीता ना, उस मस्जिद के कारी साहब फरमाते ने है जड़ी मस्जिद अंदर तुझे खिताब फरमाया है ना, इस मस्जिद असी जगह लै ली, जगह तो बाद असी मस्जिद बनाना चाहते सौ। पता लगा रहा बाली के इलाके का एक बंदा बड़ा लैन लाट दौलतमंद बंदा, वह मस्जिद बनाना चाहता है। असी जना नाबुदाता पता लिया, बायोडाटा लिया, उहदे कोल चले गए, सलाम दाई गलबात होई, उहनूं दस्सिया जी असीं मस्जिद की जगह लै लईए, मस्जिद बनाना चाहते हो। पता लगा तुसीं मस्जिद बनाना चाहते हो। उहने आखिया जी बिल्कुल मैं पूरी मस्जिद बनावांगा, सारी मस्जिद मैं तामीर करांगा, लेकिन मैनूं एक हफ्ते का टाइम दे दिओ। हफ्ते तो बाद मैं इंडिया जा रहा अपने दिल की पैबंदकारी करवाने। इंडिया जाण तो पहला पहला मैं जनाब मस्जिद का काम शुरू करवा के ते फिर जावांगा। फरमांदे ने असीं वापस आ गए, हफ्ते गुजर दा इंतजार कर लग पे। एक हफ्ता गुजर गया, ना बंदा आया ना फोन आया, कुछ ना आया। फरमांदे ने एक दिन उत्ते हुए हाथ मैं फोन कर लिया, वड्डा बंदा बिजनेसमैन अमीर बंदा शायद याद ना रहा होवे। फरमांदे ने मैं कॉल की, तो गोदे बेटे ने कॉल चुकी, पुत्र ने कॉल चुकी, सलाम दुआई हाल चाल हुई, तो मैं आख्या मैं तारफ करवाया, मैं फलां बंदा तुहाडे वाले साहब को आया सा, तुहाडे वाले साहब ने वादा किया मस्जिद का, फिर अपने वाले साहब नाल गल करवा दियो ना। तो कहिंदा है अब्बा जी ते कल दे फौत हो गए ने, अब्बा जी ते कल दे अल्लाह नू प्यारे हो गए ने, अब्बा जी ते दुनिया तो टुर गए ने। अल्लाह अकबर। फरमांदे ने अगली गल करना मैं मुनासिब ना समझी, असी चले गए दो चार बंदे लैके, हजारे अफसोस वास्ते अफसोस किया, नाले उहदे बेटे नू अपने अब्बे दा वादा याद करवाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहिंदा क्यों नहीं, मैनू अपने वाले साहब दा वादा बड़ा याद है, मैं जरूर मस्जिद बनावांगा, तुसी चले जाओ, मैं कल ही बंदा मस्जिद बनी ना कुछ ना आया। असी अपनी मदद आप दे तहत लोगों के तामद मस्जिद बना ली, और वीर सोने रब दे कर रुकिया नहीं कर दे, लेकिन सच्ची गल ने वे मालिका नू जिदा पैसा पसंद हो अपने घर उत्ते लगाते ने। फरमाते ने मस्जिद बन गई है, कंप्लीट हो गई है, कोई नहीं आया, ना बंदा आया ना तावन आया। हुण मैं तेरे कोलों पुछना चाहना वा, मैनू दसना अगर आप जिंदा हुंदा दसना मस्जिद बनांदा कि ना बनांदा? मस्जिद बिल्कुल बनांदा, लेकिन आप टुर गया ते पिछों लाभदा कुछ नहीं किया। वीर जी आप ला जाओ, आप ला जाओ, आप खर्च कर जाओ, आओ न रब दे दर ते सर नू झुकात, पीछे कम नहीं होने तेरी इल्तिजा, आ हुण रब दे दर ते बंगले जमीना ते गड्डियां ना हौसल ते जेबां कफन नाल लगियां ना हौसल, तेरे बैंक बैलेंस ना करसन वफाद, पीछे कम नहीं होने तेरी इल्तिजा, आ हुण रब दे दर ते। खालके कायनात दा कुरान है, फरमाया वल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहाति सनुदखिलुकुम जन्नातिल तजरी मिन तहतिहल नहार खालिदीन फीहा अबदा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा वनुदखिलुकुम ज़िल्लन ज़लीला।
मेरी बात का ये मकसद भी मत समझना कि सब औलादें ऐसी हैं, कुछ औलादें नेक भी हैं। साढ़े मेज़बान जिधरों खाना खादा वो फरमा रहे सन कि साढ़े वाल साहब दुनिया तो चले गए, उन्होंने तमन्ना सी कि इस फकीर नू मैं बुलावांगा तो उन्होंने अपने वालदे मोहतरम की इस ख्वाहिश नू पूरा किया। दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां दे वालदे मोहतरम की मरकत नू ठंडा फरमाए। अल्लाह खुआ अकबर अल्लाह तवज्जो करना। अगला बंदा थकता नहीं गए उच्चे उच्चे करके हाथ खड़े करो, मैंने पता लगे केड़े 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 समझदार बंदे हैं, समझदार बंदे हो, मौलवियों दी नब्ज़ा जानते हो हैं। अल्लाह 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 तवज्जो करना हजरात तेजी वकार तवज्जो रखा जे मैं जल्दी जल्दी गल कराऊँ। हजरात मोहतरम अगे की फरमाया वारा जुल्हा नी तहाबा फिल्ला वारा जुल्हा नी तहाबा। बड़ी प्यारी गल आ गई, बड़ी प्यारी गल आ गई। फरमाया वारा जुल्हा नी तहाबा फिल्ला। फरमाया वो दो बंदे भी अल्लाह पाक दरिश दे साए दे नीचे होणगे। किहड़े दो बंदे? जिहड़े आपस में मुहब्बत करते ने अल्लाह वास्ते, आपस में प्यार करते ने अल्लाह वास्ते, आपस में अकीदत करते ने अल्लाह वास्ते, एक दूसरे का खाना पकाते ने अल्लाह वास्ते, एक दूसरे की चाह बनाते ने अल्लाह वास्ते, एक दूसरे की मैंगो पार्टी करते ने अल्लाह वास्ते, एक दूसरे को मिलन जाते ने अल्लाह वास्ते। वरा जुलानी तहाबा फिल्ला। 120 वाले जमाना बड़ा बदल गया है, रिश्ते खोखले हो गए ने, मुहब्बत फिकियां पै गई ने, खून सफेद हो गए ने। अगे खून के रिश्ते करते सन, रिश्तों का खून होने लग पिया है। लोगो कायनात दे लोग बंदियां दे विचो वफा मुकदी चली जा रही है, बंदियां दे विचो मुहब्बत एंड हुंदा जा रही है। नौबत इस थो तक आ गई है ना, मतलब ना होवे को बंदा सलाम नहीं बुलांदा, मतलब ना होवे को बंदा हाल नहीं पुछदा, मतलब ना होवे को बंदा फोन नहीं करदा, मतलब ना होवे मिलन नहीं आंदा, मतलब ना होवे को बंदा कोल नहीं बिठांदा, मतलब ना होवे को बंदा बैठक दा दरवाजा नहीं खोलदा। मिलना मतलब दा, खिलना मतलब दा, किसी नु खाना खवाना मतलब दा, किसी नु सलाम कहना मतलब दा। वह लोको दुनिया मतलबी हो गई है, वो यारो बंदे मतलबी हो गए ने। मतलब तो बगैर कोई बंदा किसी दे नेड़े नहीं लगदा। वो किन्ने बेली बना के फिरना है, कभी कहना मेरे बड़े बेली ने, फेसबुक ते मेरे 15,000 फ्रेंड ने, पूरा इलाका मेरे सजना ते बेलियां दा है। अज दी तकरीर सुन लै ते सुबह अपने बेलियां दी छांटी कर ते नजर मार के वेखना मुखलस केड़े ने। इन्हां बेलियां चो कीड़ा है जिहड़ा अल्लाह दी खातर तेरे मुहब्बत करता है, अल्लाह की खातर किड़ा है जिहड़ा तेरे नाल यारी लांदा है। ये कोई चावां दा सका निकलेगा, कोई रोटियां दा सका निकलेगा, कोई तेरे फनो दे दा सका निकलेगा। दुनिया मतलब ही हो गई है, कायनात दे लोगो मतलब भी दुनिया। मिलना मतलब दा, खाना मतलब दा, आना मतलब दा, जाना मतलब दा। मतलब तो बगैर बंदे कदी कुछ नहीं करते। किसी नू आई लव यू तां कहने, उहदे होंत बड़े सोहणे ने। किसी नू आई लव यू तां कहने, उहदे रुखसार बड़े प्यारे ने। किसी नू आई लव यू तां कहने, उहदे बाल बड़े लंबे ने। किसी नू आई लव यू तां कहने, उहदा हुसन बड़ा प्यारा है। किसी नू आई लव यू तां कहने, उहदे कोल दौलत बड़ी ज्यादा है। वीर जी कोई इंज दा भी आई लव यू है वे, किसी नू आई लव यू तू तां आखिया होवे। मौलाना तुसी हाफ़िज़े कुरान हो, मैं तेनू आई लव यू कहना तां तू आलमे दीन है। मैं तेनू आई लव यू कहना तां क्योंकि तू अल्लाह दा नेक बंदा है। दुनिया दी खातर ते मुहब्बत बड़ी है, पर रब दी खातर भी मुहब्बत है। ते लिया के बखाना मार अपने गिरबान दे विच नजर, ते छांटी कर अपने यारां ते बेलियां दी। कल तो मतलब भी यार फारग कर दे, कल तो मतलब भी यारां नू सैड ते कर दे। यारो बना जिहड़ा रब दी खातर ते नाल मुहब्बत करे। रब दी खातर लाइयां यारियां कदी टुटदियां कोई नहीं। यार इंज दा बण जिवें यारे गार, मेरे नबी दा यार बणिया। यार इंज दा बण जिवें यारे गार, मेरे नबी दा बणिया। तन दियां लीरां पार पार के यार दी हिफाजत कीती यारे गार ने। अपने कंधियां ते चुक के यार दी हिफाजत कीती यारे गार ने। कायनात दे लोगो, अपने सीने ते पत्थर खा के यार दी हिफाजत कीती यारे गार ने। कोई लब यारे गार वर्गा यार, यारी बना कोई यारे गार वर्गी यारी, मोहब्बत बना कोई यारे गार वर्गी मोहब्बत है। कायनात दा रब भी उन्हां मोहब्बतां दियां मिसालां देवे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने कुरान पाक अंदर, फरमाया इज़ुहुमा फिल गारी, इज़ुहुमा फिल गारी।
ਮਾਰੇ ਦੁਖਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਦੁਖਮਾ ਫਿਲ ਗਾਰੀ ਇਦ ਯਕੂਲੁ ਲਿ ਸਾਹਿਬਿਹਿ ਯਾਰ ਨਾ ਛੱਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਯਾਰ ਨਾ ਛੱਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਯਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੇ ਯਾਰ ਗੁਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੇ ਯਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੇ ਯਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਛਾਣ ਬੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਲੰਡੇ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾ ਰਾਜੂ ਲਾਨੀ ਤਹਾਬਾ ਫਿੱਲਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਰੇ ਵੀ ਪੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਕਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਰਜੁਲਾਨੀ ਤਹਾਬਾ ਫਿੱਲਾ ਵੋ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਵੋ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਖਾਤ ਲੱਭੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਮੁਖਲਸ ਜ਼ਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛਾਣਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਯਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬੀ ਅਦਾ ਮਤਲਬੀ ਵਫਾ ਮਤਲਬੀ ਮਿਲਣਾ ਮਤਲਬੀ ਔਰ ਸਲਾਮ ਮਤਲਬੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੀਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਦੇ ਲਿਆ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾ ਵਰਾਜੁਲਾਨੀ ਤਹਾਬਾ ਫਿੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵਰਾਜੁਲੁਨ ਵਰਾਜੁਲੁਨ ਤਲਬਤ ਹੋਈ ਮਰਾਤੁਨ ਸਾਤੁ ਮਨਸਬਿਨ ਵ ਜਮਾਲਿਨ ਫਕਾਲਾ ਇਨੀ ਖਾਫੁੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਅੱਲਾ ਲਾ 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 ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਮੋਹਤਰਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਦਰਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰਾਜੂ ਲੋਨ ਤਲਬਾ ਤੂੰ ਇਮਰਾ ਤੂੰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਨ ਸਬਿਨ ਵ ਜਮਾਲਿਨ ਫਕਾਲਾ ਇਨੀ ਅਖਾਫੁੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ
हो नौजवान जवानों, हो नौजवान हो नौजवान, जिन्हों खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की, उसनो जमाल वाली लड़की, उच्चे मुकाम वाली लड़की, हसब चंगे वाली लड़की, नसब चंगे वाली लड़की, चंगे तगड़े घर की लड़की, उच्चे खानदान की लड़की, खूबसूरत इनू कहती गए आ मेरे नाल बुराई कर लै। अगो जवाब अंदर की कहता, काला इन्नी अखाफुल्ला, कितों लियावा मैं जिदे जवान, कितों लियावा मैं जिदे जवान जिन्हों का मन पाक होए, कितों लियावा मैं जिदे जवान जिन्हों का मन इंज पाक होए, जिमें आसमान तो गुलाब दियां पत्तियां ते डिगण वाली शबनम पाक हुंदी है। ये नौजवान मुक गए, ये नौजवान मुक गए, नौजवानों तुहाडा मन पाक कोई नहीं, नौजवानों तुहाडे मोबाइल पाक कोई नहीं, नौजवानों तुहाडियां खलबतां पाक कोई नहीं, नौजवानों तुहाडे अंधेरे पाक कोई नहीं, नौजवानों तुहाडे अंदर पाक कोई नहीं, तेरियां माड़ियां जिहियां गल्लां सुरख हो गईयां ने तू नाडे खां बणिया फिरना है, माड़े जिहे होंठ चंगे बन गए ने ते तू पता नहीं की अपने आप नूं समझना है, तीन चार कुड़ियां दे फोन आ जाण ते तू समझना है मैं सब तो बड़ा सोहणा, मैं सब तो बड़ा खूबसूरत, मेरे तो वध के सोहणा कोई नहीं, वो तू कादा सोहणा है, उत्तों सोहणा है विचों कोड़ा है, उत्तों खूबसूरत है विचों बदसूरत है, उत्तों गोरा है विचों गंद दा बोरा है, वो तू कादा सोहणा, आ मैं तेनू सोहणा बखावां, आ मैं तेनू सोहणा बखावां, किड्डा सोहणा किड्डा सोहणा, दरवाजा बंद कुंडा बंद ताला बंद, अंदर दो जातां, एक दा नाम जुलैखा ते दूसरे दा नाम सोना यूसुफ है, जुलैखा कहंदी है ही तलाक मेरे बल तक, ही तलाक मेरी जवानी तक, ही तलाक मेरा जमाल तक, ही तलाक मेरा शबाब तक, अगो जवाब आया कहे जुलैखा यूसुफ मियां सानू प्यार यूसुफ, कहे जुलैखा ताई सानू प्यार अल्लाह दा, कहे जुलैखा यूसुफ मियां तेरे दंद चंबे दियां कलियां, यूसुफ कहे हजारां कलियां मिट्टी दे विच रलियां, वे यूसुफ मेरे वल तक मैं तेरे नाल यारी लाना चाहनी हां, आवाज आई ना 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 जुलैखा साडा यारी वाला खाना पुर हो चुकिया है, तू दिल का दा लाना है, असी दिल दे चुकियां, असी यारी मालका नाल ला लईए, असी दिल अरशे परी वाले रब नूं दे छड्डिया है, जुलैखा साडा यारी वाला खाना खाली कोई नहीं, जुलैखा साडा दिल साडे कोल कोई नहीं, असी दिल ना सौदा कर लिया अरशे बरी दे नाल, असी नहीं इंज कर सकदे, है को तुहाडे विच इंज दा जवान है जिदा मन सोना होवे, सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्ला अलैह ने हिंदुस्तान दिल्ली शहर के अंदर मदरसा बनाया, मदरसे पुराने जमाने का मदरसा, तालिब इलमां दे खाने का इंतजाम कोई नहीं मदरसे के अंदर, फरमाया गल सुनो ना, तालिब इलमां का खाना मुख्तलिफ घरां के अंदर लगा है, एक तालिब इलम इधरों खाए, दूजा उधरों खाए, तीजा इधरों खाए, एक खूबसूरत नौजवान है उसका खाना एक घर के लगा, घर बड़ा तगड़ा सहदा घर, घर की एक खातून ने उस जवान के उत्ते नज़र रख ली है ना, एक दिन घर में मौका पाया ते मौका पा के बुराई की दावत दे देते, मेरे नाल बुराई कर ले जवाना, फरमाना बीबी नाले घर दिया रोटियां खावा नाले बुराई करा, ना बीबी ना ना यार, असी अल्लाह की कसमे असी मुसलमान बनना ते दूर की गल, असी इंसान भी कोई नहीं रह गए, असी इंसान भी कोई नहीं रह गए, जिस घर दिया रोटियां खाते हो उस घर दिद्दा तक दे, जिस घर के परोठे खाते हो उस घर दिद्दां तक दियो, और जिस घर दे जनाब जिस घर चो नमक खांदे हो उस घर दिद्दां नसा के लैके चले जांदे हो, यार मुसलमान होना ते दूर दी गल है, इंसानियत भी साडे विचों मुक गई है, उन्हें आखा ना बीबी ना ना नाले तेरे घर दियां रोटियां खावा ते नाले बुराई करा, ना बीबी ना ना एडा वड्डा काम मेरे कोलों नहीं होण लगा, पहले प्यार नाल मनाया ते ना मनिया, फिर धमकियां देण लग पई, मैं रौला पा देंगी कहांगी मेरे नाल
ट्राई करना चाहता है, पर मैं अच्छा जे तू नहीं रुकती तो मैनू वक्त दे वाशरूम जान दा। पुराने जमाने के वाशरूम चला गया, उतो थोड़ी जी गिलादत उठा करके कपड़िया ते लगा ली, पर कपड़िया ते लगा के वापस आया। वापस आके कहिंदा है आ बीबी अपने दिल की मंशा पूरी कर ले। वो कहिंदी है परां परां तेरे को बदबूआं दी पई है, की करके आ गई है। फरमांदे ने बीबी हुण मेरे को एडी बदबू नहीं आती पई जिदी उदो बदबू आनी है जदों मैं जिना कर लेना है। बीबी हुण मैं एडा गंदा नहीं जिडा गंदा मैं उदों जाना है जदों मैं बदकारी कर लेनी है। बीबी जिना की बदबू गटर दे गंदे कीड़िया तो भी गंदी है। बीबी एडा गिडा गटर भी गंदा ते लादत भी गंदी नहीं जिडा जानी गंदा है। ना बीबी मैं कम नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर ने धक्के मार के बाहर कर दिता। सर्दियों का मौसम एक को जोड़ा गरीब बेचारा ये जनाब उन्हें कपड़िया धो लिया, हीटर के इंतजाम कोई नहीं, गीजर के इंतजाम कोई नहीं, ठंडे पानी कपड़े धो लाए। ठिठर की रात ते रात को मौत वाकई हो गई है, दुनिया तो तुर गया है। मैं का करना अल्लाह फरमाते हो गए मेरे बंदे दिल्ली द कुड़ी छड़ के आए आ तेनू जन्नत दिया बहत्तर देिए, आ तेनू जन्नत दिया बहत्तर अदा कर देिए। सुबह दा वक्त पता लग गया नौजवान फौत हो गया है। हजरात दी वकार कपड़िया चो खुशबू है, बदन चो खुशबू है। जनादा जनाब पढ़ाम तो पहला कफन दिता गया ते कफन चो खुशबू है। मैयत लैके जा रहे ने तिंज लगता जिमें कई करोड़ा गर्भवतियां जनादे दी अंदर। जदों चौके कबर विच लाया ते कबर दी मिट्टी चो खुशबू आन लग पई। 120 वालिया पुछ 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 मेरे को खुशबू का दिए, तो पूछे ते मैं जवाब अंदर कहांगा। पर राजुलुन तलबत हुई मरा अतुल दातु मन सबिन व जमाल, सातु मन सबिन व जमाल इन फकाल इन्नी अखाफुल्ला। अल्लाहू अकबर। अल्लाह इबी नौजवान अल्लाह पाक दर दे साए दे थले अगे फरमाया पर रजुलुन तसद्दका बिसदका तिनफाक पाहा। वो नौजवान वो बंदा जिहड़ा अल्लाह दे रस्ते च माल खर्च करदा है, लुका के करदा है, लुका के करदा है। इंज नहीं जिवें अजकल बंदियां हिसाब बनाया है वी जनाब 15 किलो का 5 किलो का पैकेट बना लिया, बिच 1 किलो घ्यो रख लिया ते 2 किलो चीनी रख ली, ते बिच जनाब पाइया पाइया दालां कट्ठियां कर लईयां। आख्या जू न्यूज वाले हो तुम भी आ जाओ, दुनिया वाले हो तुम भी आ जाओ, उरलो परलो तुम भी आ जाओ, और जेदे को चंगा मोबाइल हो भी आ जाए ना। मैं गरीब न पकड़ावगा 500 5 5 किलो वाला पैकेट, फोटो बना लिया जे पूरे पिंड फैला के दसिया जे गरीब है, ये को घ्यो दे पैसे कोई नहीं, यतीम ए सिर ते दा प्यो कोई नहीं, यदि यताम का मजाक उड़ाया जे पूरे इलाके अंदर। यार कितों की ने किए मैनू तो लभी कोई नहीं कुरान अंदर। मशाइख बैठे ने उलमा बैठे ने, पुछो उलमा दे कोले नेकी कित्थे लिखी है। 5 किलो का पैकेट बनाना ते जनाब 5 किलो दे पैकेट दे पीछे 500 सैल्फियां खिंच लैना, ते बंदी आंदी गुरबत दे गुड्डे बन देने पूरे इलाके दे अंदर। मैनू दसना कित्थे लेकी है नेकी, मैनू ते किते नजर नहीं आई, जे तेनू नजर आई है ते मैनू किते विखा दे। भावें ऐनक ला के लभ ते भावें ला के लभ, तेनू नेकी कोई नहीं लभण लगे। ए नी तरीका नेकी दा, फिर केड़ा तरीका है। पर रजुलुन ता सदका भी सदका तिन पाक पाहा, लुका के कर छुपा के कर, जे दे लई करना है उन्हों सारे ही पता है। उन्हें सारियां सेल्फियां तो वाकफ है, वो सारियां फोटुआं तो वाकफ है, उन्हों पता है तू किवें प्या करना है ते किन्ना प्या करना है। आखिरी बंदा वर रजुलुन जकर अल्लाह खालिया फफादत ना। पर मैं वो बंदा जिहड़ा तनहाई दे अंदर बह के रो लैंदा है, यार दा लव लैटर पढ़ के तनहाई विच रोवें, अपने सज्जन दे मैसेज पढ़ के तनहाई विच रोवें, कारोबार तो घाटा पै जावे ते कंधां च सिर मार मार के रोवें। कदी अपनियां गलतियां ते भी रोया कर, कदी अपनियां खतावां ते भी रोया कर। कदी इंज होया है तैनू 3 लख दा 5 लख दा घाटा पिया होवे, तू रोवें ते तेरा घाटा पूरा हो जाए, इंज कदी नहीं होंद।
ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਏ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਤੂੰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਵੇਂ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਸਾ ਲਿਆ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇੰਜ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੱਢੇ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਵੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਇੰਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਏ ਫਰਮਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਿਆ ਬਾਬਿਆ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫੜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਗੋਰਾ ਟਿਕਾਂਦਾ ਟਿਕਾਂਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਵਜ਼ੂ ਬਣਾ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਆਂਸੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕੱਢ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਏ 70 ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕੱਢ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਛੱਡੇਗਾ ਵਾਖਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੁੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਸਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਸਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਅੱਲਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਸਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਸਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿਲਾਇਆ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿਲਾਇਆ ਚਰਸੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੋਕਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਪੰਗੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੋਕਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੋਕਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਬਸ ਵਹਾਬੀ ਜਾਣੇ ਮੋਕਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਰਾਜ਼ਿਕ ਜਗਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਰਾ ਦਰਰਾ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਸੀਆਂ ਬਿਦਿਓ ਮਾਬੂਦੇ ਅਸੀਆਂ ਬਿਦਿਓ ਮਾਬੂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਜਦਿਓ ਮਸਜੂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਜਦਿਓ ਮਸਜੂਦੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ Oh